दोस्तों सुबह तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पाव ब्लॉग्स में। मैं हूँ क्रांति छत्तीसगढ़ से और दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी एक इन्फॉर्मेशन देने वाली है। हम एक नई सीरीज की शुरुआत यूट्यूब पे करने वाले हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले आप एक जगह मेरे साथ घूम फिर के आ जाओ, उसके बाद हम आराम से बैठ के चाय पीते हुए जो है वो इस सीरीज़ की जो है वो शुरुआत करेंगे। और ये सीरीज़ की जो शुरुआत है, ये सीरीज़ जो है आप सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो गर्ल है, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, चाहे वो होम मेकर है, सबके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलो पहले घूम फिर के आ जाते हैं, यानी घूम फिर के मैं ऐसी वैसी जगह नहीं ले जाने वाली हूँ आपको, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी जगह मैं आपको ले जाने वाली हूँ और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए मेरे साथ और फिर मैं आपके वापस आके आपको हम सब जो है उस सीरीज़ की जो है वो शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए बिहान बाज़ार और इसकी डेट जो है वो बताई गई है और जगह भी बताई गई है। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर और क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं, नया क्या हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, ये देखिए मेरे पीछे जो है वो अलग अलग महिला समूह जो है वो लगे हैं और यहाँ पर कुछ सामान ले रहे हैं ये लोग। और ये देखिए अलग अलग जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक एक स्टॉल जो है वो बताती हूँ। तो यहाँ से ये है, इन लोगों ने रंगोली बता रही कि हमने ये खुद से तैयार की है ये रंगोली। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे देखिए गोबर के दिए और जिसको इन्होंने अच्छे से कलर किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा छत्तीसगढ़ में ही, हिमाचल में मैंने कभी नहीं ये देखा गोबर के दिए जब तक थी मैं, और ये मुझे एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिले। और ये सारी जो लेडीज़ है ये SHG ग्रुप की है और ये देखिए इन लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना के रखी है और सारी महिलाएँ एक साथ बैठी है। ये देखिए दिवाली की जो है वो पूरा सामान यहाँ पर मिल रहा है और लोगों का भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हर चीज़ जो है यहाँ पर मिलते जा रही है। और बाकी ये 24-25 आप देख रहे हैं, ये इनके जिस जगह पे इनको बैठना है उस जगह का नंबर है ये। और यहाँ पर ये खाद वगैरह थी कुछ और पेस्टिसाइड्स वगैरह थी जो कि इन्होंने घर से ही वो चीज़ें, यानी जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के है ये, वहाँ पर सब महिलाओं ने मिलकर ये तैयार किया है। और ये देखिए ये भी हैंडमेड ही डेकोरेटिव आइटम्स हैं। और ये देखिए पूरा दिवाली का हो गया या डे टू डे लाइफ का हो गया, डेकोरेशन हो गया, फूड हो गया, सारी चीज़ें मसाले हो गया, ये देखिए ऑयल हो गया, ये साबुन हो गया, सारी चीज़ें जो थी यहाँ पर अवेलेबल थी ये देखिए। तो चलो दोस्तों अब ख़त्म हो गया काम, अब घर पे वापस मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे और उनकी जो महिलाएं थी, किस तरीके से उन्होंने तैयार सामान किया, उनको मार्केट जो हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने इसको एक मार्केट प्रोवाइड करवाया इन SHG ग्रुप्स को। और इन महिलाओं ने जो है वो पूरा सामान जो है वो बना के लेके आई थी और उसको यहाँ पर सेल कर रहे थे और उनको रिस्पॉन्स भी जो है आसपास, यानी लोकल पीपल जो यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं या शहरों के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे थे। और काफ़ी मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था और लोग जो है वो आते जा रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। और अब बात आती है उस इन्फॉर्मेशन की, उस चीज़ की जिसकी मैं शुरुआत करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल की जो वीडियो आई थी आदि वाली, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको, बहुत प्यार अपने व्हाट्सअप के, कई लोगों ने स्टेटस में उसको डाला, कई लोगों ने उसको अपना DP बनाया, ना सिर्फ मेरे फैमिली में, ना सिर्फ मेरे क्लोज फ्रेंड ने, जबकि मेरे सब्सक्राइबर्स ने, हमारे यूट्यूब की फैमिली के मेंबर्स ने भी ऐसा किया। तो इस चीज़ के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इंस्टा पे हमारी स्टोरी शेयर करने के लिए, इंस्टा पे हमारे लिए पोस्ट बनाने के लिए, फेसबुक पे पोस्ट बनाने के लिए, अपने पेज में हमारे लिए जगह देने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सचमुच जब आप इतनी सारी चीज़ें करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कई बार होता है ना वीडियोस, मैं ऐसा लगता है कि
अब नहीं हो पाएगा ये काम ज्यादा, लेकिन फिर इतना सारा प्यार दिखता है, मैं कहा नहीं यार कंटिन्यू करना है, 400 से ऊपर वीडियो हो गई, कंटिन्यू जब तक चलता है तब तक करना है, इतना प्यार और कहीं नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का दिल से। और अब बात करते हैं जिस मुद्दे की, और इस चीज को शुरुआत करने के लिए आप लोगों का ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए। पता नहीं हमेशा से ही मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ रही है कि यार आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, एक छोटी सी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों से आप एक बहुत बड़ी। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ फॉर द वुमेन बाय द वुमेन, जिसमें अलग अलग तरह की जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, जो कि स्ट्रगल कर रही है, जिन्होंने अपने दम पे एक मुकाम हासिल किया है, उनके लिए ये सीरीज है। वो ये मायने नहीं रखता है वो लड़की है यानी छोटी बच्ची है, ये मायने नहीं रखता है कि वो होम मेकर है या वो वर्किंग वुमेन है, वो जो भी है, अगर उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी अचीव किया है तो हम उनकी एक छोटी सी स्टोरी बाकी लोगों को बताएंगे, ताकि बाकी लोग जो है उनसे प्रेरणा ले सके, मोटिवेशन ले सके और अपनी लाइफ में कम से कम कुछ तो आगे बढ़ सके। ये जो दौर चल रहा है ये ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पर खुश रहने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और आमतौर पर लोगों को मतलब सुनते हैं कि भाई महिलाएं ही आपस में लड़ाई झगड़ा करती है, एक दूसरे से कंपटीशन रहता है, और वो भी एक दूसरे से जलन वाला कंपटीशन रहता है, मोहल्ले में भी अक्सर महिलाओं को ही लड़ते देखा जाता है। लेकिन देखिए होता होगा ये सब चीज़ें भी, लेकिन एक पहलू बताऊं मैं आपका, जो मेरी सोच है कि हमारा ये जो एरिया है यहाँ पर, मेरे इस साइड यानी मेरे जो ये मेरा राइट है साइड से लेफ्ट दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, तो राइट साइड में एक घर है और यहाँ पर एक कैफ़े है हमारा, और जिसको कि पूरा का पूरा जो है एक महिला के द्वारा ही जो है वो चलाया जा रहा है, फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो इच्छा शक्ति है ना, और जो प्रोडक्शन है या सेलिंग है, एक कैफे को चलाने में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो एक महिला के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे मतलब आसपास का जितना भी एरिया है ना, यहाँ पर वॉकिंग लोग रहते हैं, तो यहाँ पर किसी के पास किसी के लिए इतना टाइम नहीं होता, हमारे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा वाला हुआ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो यहाँ का माहौल बहुत ही मतलब टाइम टू टाइम लोग हैं, हर आदमी अपने काम में लगा रहता है, ये वाला माहौल है। तो महिलाएं जो होती है अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहती है, लगन से काम करती है, और एक साथ बहुत सारे काम निपटा सकती है, ये भी एक इसी महिला का एक पहलू है जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब हम लोग, अब देखो लोगों को आदत होती है एक दूसरे के पीछे बात करने की, उसमें मजा लेने की, गॉसिप करना हर एक के इसमें आता है, लेकिन कई बार गॉसिप में आदमी ना दूसरों की बुराई करने लग जाता है, जो कि बहुत हद तक गलत रहता है, वो खुद भी उस चीज़ से नेगेटिव हो जाता है। अब हम जब छोटे होते थे तो हमारा जो आधा टाइम तो देखिए हॉस्टल में बीता, आधे से ज़्यादा ही टाइम बीत गया हॉस्टल में, तो वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें होती नहीं थी, तो जब हम घर में रहते थे तो हमारा ननिहाल में ही हुआ सब कुछ, तो वहाँ पर ऐसा होता था कि जब आपस में बड़े बात कर रहे होते तो नानी हमारे को वहां से भगा दे कि चाहे अच्छी बात हो रही हो चाहे बुरी बात हो रही है, तुमको बीच में रहना ही नहीं है, हम चले जाते थे। तो इसीलिए दिमाग में कभी ऐसा नहीं है कि कोई आदमी की पीठ पीछे बुराई करना, एक महिला का दूसरे के लिए कुछ गलत बोलना या जलन करना, ये सब हमारे अंदर नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा यानी मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की जाए, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी लेडीज है, बहुत सारी ऐसे लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं जो कुछ ना कुछ कर रही है, तो आपको भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा पाते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो ये सीरीज है फॉर द वेमेन बाय द वुमेन के नाम से। तो आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वाला सीरीज का नाम, कैसा लगा,
और ये आइडिया कैसा लगा, आगे इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही मोहल्ले का है तो उसी को ही वो है, अगर आप लोग भी जो देख रहे हैं आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला है और जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने जीवन में अचीव किया, जो कुछ ना कुछ कर रही है, अचीव भी नहीं किया लेकिन करने की एटलीस्ट कोशिश तो कर रही है, तो आप उनके बारे में मुझे बता सकते हैं। हम वर्चुअली भी एक दूसरे से मिल सकते हैं और इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो बहुत सारे तरीके हैं। वो आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हो तो आप इस चीज़ के लिए कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी यहाँ पर आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आएगा, इंस्टा का आईडी भी मेरा इंस्टा में मैं डाल दूँगी, तो वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और बस वही है, कोई चीज़ नई शुरुआत होती है तो थोड़ा सा अंदर से लगता है कि होगा नहीं होगा, बट ऑलवेज हमेशा की तरह मेरा सिर्फ एक ही प्लान होता है, वो है प्लान ए, और उसमें मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत एफर्ट लगाती हूँ, क्योंकि दिमाग में मुझे लगता है कहीं प्लान बी होगा तो थोड़ा सा प्लान ए में उतना ध्यान नहीं लग पाएगा, तो इसीलिए मैंने बाकी कुछ नहीं सोचा है, इसी पे ही काम कर रही हूँ। और बाकी आप बताइएगा, आप लोगों का सपोर्ट और आपका प्यार मिलता रहेगा तो ये सीरीज़ भी जो है वो ज़रूर सक्सेस होगी। तो मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।